गाइज अभी हम लोग पहुंच गए हैं फातुला टॉप पे। ये श्रीनगर औली हाईवे का सबसे टॉप पॉइंट है। बट रोड देखो यार, श्रीनगर हाईवे कभी सोचा नहीं था मैंने कि इतनी ब्यूटीफुल हाईवे होगी। अल्टीमेट है, अल्टीमेट। वाव मैन, बाइक की थोड़ी सी बैंड बज रही है क्योंकि हाइट पे हैं हम, काफी ज्यादा हाइट पे हैं। गाइस अभी हम लोग ना मैग्नेटिक हिल क्रॉस कर रहे हैं, रात का टाइम है, आपको पता नहीं चल पाया कुछ भी। तो अभी हम लोग कारगिल, अब ये वाला पूरा कारगिल एरिया है, यहीं पीछे में टाइगर हिल था, आपको मैंने दिखाया पीछे पिछली वाली वीडियो जो कारगिल वॉर मेमोरियल के मैंने वीडियो बनाया उसमें आपको दिख जाएगा। सो ये है कारगिल और इसके बाद हम निकल रहे हैं बडालिक सेक्टर होते हुए, आपको सीधे पहले कारगिल हम पहुँचेंगे। अभी कारगिल है नहीं, ये कारगिल का काइंड ऑफ पार्ट है जहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी आई थी एंड देन वी पुश देम बैक। अब यहाँ से कारगिल निकलेंगे, कारगिल से सीधे ले निकल जाने का प्लान है। 11:45 हो रहे हैं ऑलरेडी, सो शाम तक 6-7 बजे तक हम तो ले पहुँच ही जाएंगे, देखते हैं 6 घंटे में तो ले पहुँचा चाहिए। अभी हम लोग कारगिल पहुँच गए हैं, कारगिल का ये पेट्रोल पंप है। जैसे ही आप एंटर करोगे आपको सामने ये पेट्रोल पंप दिखेगा और यहाँ पे कार्ड कैश वगैरह सब चलता है, तो आप कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हो, पेटीएम भी, गूगल पे भी, सब कुछ है। ओके सो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं कारगिल से, कारगिल का ये पेट्रोल पंप है और कारगिल से हमारा प्लान है आज का लेह भी कवर कर देने का। 1 बज रहे हैं ऑलरेडी, देखते हैं पॉसिबल है या नहीं। 200 किलोमीटर है, 230 किलोमीटर है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बट पता नहीं रोड का कंडीशन कैसा होगा आगे जा करके। आई हैव हर्ड कि रोड काफ़ी अच्छा है, बाकी लोग भाई लोग ये रिवर के पास जा रहे हैं, हम भी सोच रहे हैं रिवर के पास मैं भी चला ही जाऊँ। चलो यार, सोचा यार इतनी बड़ी बढ़िया रिवर है यहाँ पे, थोड़ी सी तो मज़े लें। भाई साहब वाटर फ्लो देखो यार, ये ब्रिज है ऐसा, ये वाटर फ्लो देखो यार, इसमें तो जाएंगे तो क्या हाल होने वाला है। यहाँ पे अगर ड्रोन होता तो यार क्या मज़ा आता यार। अतुल भैया अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो सोचो, आप अगर ड्रोन दे दिए होते तो अल्टीमेट व्यू। और वाटर का फ्लो इतना है ना, इतना तेज है ना कि आप बस जाओगे तो फेंका जाओगे ऐसे। सोचो ये है कश्मीर हमारा ले, बेसिकली कारगिल है ये। सो अभी हम लोग अब ले से निकलेंगे, प्लान तो था, सॉरी ले से नहीं कारगिल से निकलेंगे, प्लान तो था कुछ खाने का, देखते हैं अगर कुछ मिल जाता है तो खाते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट हम लोग निकलेंगे आगे, आगे देखते हैं कहाँ पर मिलेगा, क्या क्या ऑप्शन है। वैसे कारगिल में तो खाने के लिए होंगी शायद, देखा जाए। हाँ भाई क्या चीज का टिकट है? तो किस चीज़ का टिकट है? म्युनिसिपल कमेटी सर। तो सबका लगता है, ये बाइक का है, गाड़ियों का है, तो वो है ना 50 रुपया। गोप्रो स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये कारगिल सिटी है, कारगिल शहर है, आप यहाँ पे आकर के रुक सकते हो, होटल वगैरह देख सकते हो, उसके बाद यहाँ से सीधे आगे निकल जाएंगे हम। चलो पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद देखते हैं। सो गाइस ये है जांस्कर रिवर जो हमारे साथ साथ चल रही है और ये कारगिल सिटी है। सो अब हमारा प्लान है कुछ खाने का, देखते हैं क्या खाते हैं। और जांस्कर के रिवर के ना फ्लो इतनी ज़्यादा तेज़ है ना यार, क्या मतलब पूछो ही मत। देख लो ये कारगिल सिटी है भाई, ऊपर से आपको दिखा रहा हूँ, कितना सही सही है ना। ले यहाँ से 225 है, निम्मू लेमारू तो आराम से क्रॉस कर लेंगे, ले भी सोच रहे क्रॉस कर ही ले, अभी तो 1 ही बज रहा है, तो रात तक ले तो पहुँच ही जाएंगे। अभी बच गए हैं 2 दिन के 2 और हम लोगों ने एक्चुअली अभी लंच करने के लिए रुक गए थे कारगिल में। सो मैंने एक फ्राइड राइस लिया था, हालांकि बहुत ज़्यादा फ्राइड राइस दे दिया था तो उसको पैक भी कराना पड़ा। और 2 बजे, अब 2 बज गए हैं, एग्जैक्ट 2 बज रहे हैं, 1:59 PM हो रहा है। सो अब हम लोग निकल रहे हैं लेह के लिए, यहाँ से डायरेक्ट 6 घंटे का रास्ता है 6 से, तो प्लान ये है कि 8 या 9 बजे तक मैक्स पहुँच जाने का है, देखते हैं कितना टाइम लगता है, नॉट श्योर।
230 किलोमीटर है यहाँ से एग्जैक्ट। अभी हम लोग कारगिल सिटी अब एग्जिट कर रहे हैं और रोड तो काफ़ी अच्छी है, मतलब रोड के तो यार जवाब नहीं है। यू कैन ऑलवेज क्रूज आफ्टर आई मीन बियॉन्ड 60, 70, 80। यार बाइक बंद हो जा रही है अब, कोई नहीं। सेफ्टी टोल्ड लाइफ इज गोल्ड, और आप दुर्घटना को करो क्लीन बोल्ड बाय राइडिंग सेफ, राइडिंग स्लोअर, टेकिंग स्लोअर टर्न्स कर्व्स ऑन द टर्न्स, स्लोअर मेंटेनिंग स्लोअर स्पीड ऑन द टर्न्स। सो दीज आर द सेफ्टी टेक्निक्स, जब आप कभी भी टर्न लो टेक ब्रेक, यूज ब्रेक नॉट ट्रेक ब्रेक, यूज ब्रेक, लो डाउन योर गियर्स एंड देन टेक टर्न। भाई यहाँ पे ट्रक को एकदम नीचे उतार दिया धोने के लिए, इससे बेस्ट क्या हो सकता है, देखो दिखाता हूँ। पता नहीं उतारा कैसे, अच्छा यहाँ से रोड है, यहाँ से रास्ता है, नीचे उतार के आराम से मस्त से धो रहा है। सही है ना भाई, नेचुरल वॉशिंग। और लद्दाख के एक्चुअली पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं, देखो अब ना थोड़े यहाँ पर नीचे में तो ग्रीनरी दिख रहा है, वैली में राइड कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ देर पहले पहाड़ पर मैं राइड कर रहा था, तो अब ना पहाड़ कम्प्लीटली बैरन दिखेंगे आपको, मतलब ग्रीन नहीं दिखेंगे। जैसे आपको जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ होते हैं, हिमाचल उस साइड के पहाड़ होते हैं, लद्दाख के पहाड़ हैं वो भी हिमाचल मतलब हिमालय में ही आता है, लेकिन उसके जो पहाड़ हैं वो अलग हैं, मतलब उसमें कम्प्लीट बैरन होता है। अभी तो यहाँ पर थोड़ा बहुत यू नो ये पत्थर दिख रहे हैं, झाड़ियाँ उगी पड़ी हैं, लेकिन अभी आगे चल करके वो भी नहीं दिखेगा कुछ भी। तो ये अपडेट हम लोग सभी अभी कहीं हैं कारगिल और लेमारू के बीच में। लेमारू यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 80 किलोमीटर होगा, तो कारगिल से लेमारू 100 किलोमीटर 20 किलोमीटर ऑलरेडी हमने कवर कर चुका है। जैसे देखो ये पूरा सारी ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने रोड बनाया है, सैल्यूट टू देम ऑल्सो, उन्होंने रोड बनाया। प्लस देखो कितना ऊपर तक गाड़ी ले गए हैं तोड़ करके उसको, वहाँ पे टनल बनाए जा रहे हैं। सो अब आने वाले टाइम में ये सब कुछ टनल के अंदर हो जाएगा, लोग अच्छे से मतलब बहुत स्पीड से और सेफली राइड कर पाएंगे। ये वाली टर्न की मैं बात कर रहा था कि ऐसे कभी भी रॉन्ग साइड में मत चला करो जैसे अभी मैंने किया, मुझे लगा कोई नहीं आ रहा है हॉर्न दिया जबकि मैंने, बट ऑलवेज बी इन योर ओन लेन, भले ही आपके सामने वाला लेन खाली रहे बट फिर भी अपने लेन में रहो, क्योंकि यू नेवर नो टर्न्स पे कौन सी गाड़ी सामने आ जाएगी। और वैसे ही वो बड़ी गाड़ी होती तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है मुझे, छोटी गाड़ी है तो काट लेते हैं। दूसरी बार हुआ इंसिडेंट आज पूरे दिन में, लेट्स सी, अब नहीं तो अब तो नहीं घुसूंगा मैं, अब तो दूर दूर तक खाली दिखे तब भी नहीं घुसूंगा। तो चलो ये देखो ये वैली है, ये छोटी सी रिवर है जो हमारे साथ फ्लो कर रही है, और हम अब लद्दाख के पहाड़ों में एंटर कर रहे हैं। देखो गाड़ी भी बोल रही है हमारी, अब क्यों खींच रहे हो आज इतना। ये श्रीनगर ले हाईवे है, इसको बोलते हैं श्रीनगर ले हाईवे। यह है लद्दाख के टेरेंस, देख लो आज ही मैं दिखा रहा हूँ आपको लद्दाख। अभी अभी तो लेह बचा हुआ है, पैंगोंग बचा हुआ है, त्याची बची हुई है, नुब्रा वैली बचा हुआ है, और भी बहुत से खारदुंगला बचा हुआ है, बारालाचल चला चा बचा हुआ है, पता नहीं कितने सारे पासेज बचे हुए हैं अभी। बट आपको लद्दाख की माउंटेंस का एक्सपीरियंस मैं आपको अभी करा रहा हूँ, देखो सामने देखते जाओ, व्यू को इन्जॉय करो आप, मैं तब तक बाइक चलाता हूँ, आप व्यू को इन्जॉय करो। अभी मैं एक्चुअली लेह वाला रास्ते में हूँ, बीच में क्रॉस कर रहा हूँ, और आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, लाइक यू विल बी कम्प्लीटली अमेज्ड। ये देखो सामने पहाड़, ऐसा लग रहा है ना मतलब जैसे जोजिला जो नाम रखा था ना, जोजिला गॉडजिला, और जैसे गॉडजिला में पहाड़ दिखाते हैं वैसे ही ये सारे पहाड़ हैं। और देखो कैसे एकदम टेरेंस है यार, ओ लग रहा है एकदम माउंटेन्स बादल को टच कर रहे हैं ये, तो देखो सामने वाला कितना सही है दिख रहा है। हाँ भाई कैसी लग रही है राइड? अच्छा भाई को भी फोटो क्लिक करानी है, दोनों हाथ पहुँच गए हैं लेमारू, यहाँ से आई थिंक 40-50 किलोमीटर और है। और अभी हम लोग चढ़ाई कर रहे हैं पहाड़ों की, सामने व्यू देखो यार, तो इसी व्यू के लिए तो आए हैं, देख रहे हो अल्टीमेट, वी आर ऑन टॉप ऑफ। ये ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है,
सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यहाँ पे हवा बहुत तेज है, सामने से हवा है, इतनी तेज मार रही है ना, कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। बाइक पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, फोर्स बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अभी मैं फुल थ्रॉटल लेकर के 40 पे चला रहा हूँ, सोचो अभी और चढ़ना है ऊपर हमें, ये टॉप पे जाना है एकदम पहाड़ों के, और उस साइड से क्रॉस कर जाना। देख रहे हो पहाड़ों, पहाड़ों को देखो यार, ओ भाई ले। यहाँ से अभी 150 किलोमीटर और कवर करना है। प्लान ये है कि 8 या 9 बजे तक मैक्स पहुँच जाएंगे हम लोग ले। थोड़ी बहुत नाइट राइडिंग करनी पड़ेगी आज, हमने सोचा कि नाइट ले ही पहुँच जाते, क्योंकि इससे होगा क्या, कल रात पर हम लोग स्पेंड करेंगे, मतलब आज रात, कल पूरा दिन, कल पूरी रात, परसों हम लोग निकलेंगे पैंगोंग के लिए। तो आप लोग देखते जाओ, व्यू का एंजॉय करो आप। ये बेसिकली ये है आपका पातुला, सो पातुला वाला एरिया है ये। पातुला यहाँ से 2 या 3 किलोमीटर और दूर है। नाकिला मैंने अभी क्रॉस करके, नाकिला को रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि मेरी GoPro बैटरी ख़त्म हो गई थी, लेकिन पातुला के टाइम में देख लो रिकॉर्ड हो रही है। मैं चेक भी कर लेता हूँ, हैरी पीछे है थोड़ा सा, आ गया। बाइक पे है ना बिल्कुल भी पावर नहीं मिल पा रही है बाइक को, इतनी ज़्यादा ऊपर में हम लोग अभी हैं। आई थिंक 13-14,000 फीट पे होंगे हम अभी, शायद उससे ऊपर ही होंगे। और अभी और चढ़ना है, मैं चढ़ाई देखो, देख रहे हो ये सामने सामने देखो चढ़ाई, ये चढ़ाई ऐसी, हमें ऊपर जाना है, उस टॉप पे जाना है, और उस टॉप के बाद ये देखो नीचे, देखो सामने व्यू, व्यू देख रहे हो। मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकता वरना मैं व्यू देखने नीचे चला जाऊँगा, सॉरी फॉर दैट। चढ़ाई चढ़ाई है, पता नहीं आपको GoPro में समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत स्टीप चढ़ाई है। अभी बाइक पूरी अपना फोर्स लगा रही है चढ़ने के लिए ऊपर, चढ़ जाती है, मतलब 350 cc रॉयल इनफील्ड इसीलिए बनी है कि रफ टफ बाइक है। पिछले 150 किलोमीटर से मैं कंटिन्यूस चला रहा हूँ, रोका नहीं इसको, अब फिर भी एकदम मस्त आगे जा रही है। बी जेंटल ऑन माई कर्व्स, ये हर जगह लिखा हुआ है। देखो मैंने बोला था नहीं पहाड़ पे चढ़ेंगे, ऐसे चढ़े जा रहे हैं, हैरी है सामने। भाई अभी हम लोग पहुंच गए हैं फातुला टॉप पे, ये श्रीनगर ओले हाईवे का सबसे टॉप पॉइंट है। आई नो आपको बहुत आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा विंड नॉइज़ है, बट यू नो बियर विथ मी, माइक अभी यूज़ नहीं कर पा रहा मैं। और ये है फातुला टॉप, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये 13,479 फीट पे है। तो यहाँ पे आपका आर्मी का काइंड ऑफ वो लगा हुआ है, श्रीनगर ले हाईवे का सबसे टॉप पॉइंट है। इसके बाद हम लोग सीधे नीचे ही उतरेंगे, थोड़ी देर के लिए ऊपर फिर से चढ़ाई होगी लेकिन वो टॉप नहीं होगी। सो टॉप यही वाला पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द श्रीनगर ले हाईवे। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो BRO, ऑल क्रेडिट्स टू BRO, फातुला टॉप, हाइट 13,479 फीट, हाईएस्ट पॉइंट ऑन द श्रीनगर ले हाईवे, 16 TF VJK और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। यहाँ भी वही लिखा हुआ है। और अभी हम लोग अब यहाँ से ले है अप्रॉक्सीमेटली 140 किलोमीटर, सो हम लोग ले पहुँचेंगे यहाँ से, आई थिंक 8-9 बज जाएंगे। और ये आर्मी के काइंड ऑफ रडार्स वगैरह, एंटीना, टेलीफोन के कनेक्शन एक्सचेंजेस लगा रखे हैं इन्होंने। आई नो बहुत तेज़ हवा है यहाँ पे, सो पूरी तरह से आपको आवाज़ क्लियर आ नहीं रही है, लेकिन लेट्स सी। तो ये थी फातुला टॉप से, अब हम यहाँ से सीधे ले निकलेंगे। और फातुला टॉप तक आने का रास्ता एकदम यू नो A to Z, आपको अगर मतलब एकदम A class, फातुला टॉप आप आओ, आप आराम से क्रूज़ कर सकते हो। थोड़ी सी आपको हो सकता है कि ऑक्सीजन कभी कभी कहीं कहीं आपको महसूस हो, बट फिर भी आप आ सकते हो आराम से। और अगर बाइक से आ रहे हो तो वहीं 40-50 कर सकते हो। रोड बिल्कुल आपको ऐसा है, हर जगह कहीं भी
टूटा नहीं, एक पॉटलर तक नहीं है। सो आई लव विद दिस। बाकी ये थी पॉटलर टॉप से, अब चलो सीधे मिलते हैं वापस रोड पे। वही हम लोग यहाँ पे आ गए कोविड का, एक्चुअली हमें वैक्सीनेशन का चेक कराना है। सो यहाँ पे आपको ये है आपका कॉलोनल खुशहाल चंद MBBC मेमोरियल, यहाँ पे आपको ले में एंट्री करने के पहले आपको वैक्सीनेशन का स्टेटस चेक कराना पड़ेगा। चलो देखते हैं। सो अभी हम लोग रिच पहुँच गए हैं खालसी और हो रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं। सो यहाँ से अभी खालसी से आपका ले है अप्रॉक्सीमेटली 100 किलोमीटर है, यहाँ पे आपका एंट्री कराना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आपको जाने देंगे। सो चलो एंट्री कराते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग खालसी में हैं और यहाँ से आपका बटालिक सेक्टर है 75 किलोमीटर, ले है आपको 97 किलोमीटर, नीमू 61 किलोमीटर। सो अभी हम लोग लेह निकल रहे हैं 97 किलोमीटर, नूरला, सासपोल, नीमू क्रॉस करके आपको हम ले जाएंगे। बटालिक सेक्टर जाने का भी मन कर रहा है बट एक्चुअली हमारे साथ वाले वो रेडी नहीं हो रहे हैं। अभी देखो ये सामने जांस्कार रिवर है, इसके साथ साथ हम लोग चल रहे हैं एंड वी हैव सम मोर बाइकर्स ऑन द वे। लद्दाख को अपना नंबर मिलना स्टार्ट हो गया, लद्दाख में RTO आ गया, सो मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स आर कमिंग विद LA नंबर। बाकी व्यू का तो आप मजा ले ही रहोगे। रोड तो अल्टीमेट है यार, मज़ा आ रहा है रोड पे चलाने में, मतलब जस्ट क्रेजी रोड्स। ठंड के टाइम में पूरी ये हो जाती है, बर्फ से भी स्नो से एकदम ये हो जाती है, कवर्ड हो जाता है एंड यू कैन डू अ वॉक देयर। भाई भी अपना रिकॉर्डिंग कर रहा है, हम भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दिस इज NH1, सो अगर आपको हाईवे के बारे में मालूम करना है सो दिस इज नेशनल हाईवे 1 जो हम जिस पे हम अभी चल रहे हैं एंड इट डिजर्व्स दिस नंबर बिकॉज देर इज नो हाईवे बेटर देन दिस आई वुड से। जो इसके शार्प बेंड्स है, जो इसके स्मूथ रोड है, जो इसके कर्व्स है, ओहो गाइस अभी हम लोग नीमू पहुंचने वाले हैं। नीमू है ले से 30 किलोमीटर पहले और ले मेरे अभी जहाँ से हम लोग आए वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली है ये 55 किलोमीटर। बाकी हैरी को देखो पूरा स्टंट मारे जा रहे हैं। रोड इतनी ब्यूटीफुल है ना, ये वाली पैच स्पेशली यार, दोनों साइड प्लेन्स हैं एंड यू हैव द स्ट्रेच ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 5 किलोमीटर। देखो सामने देखो यार, वार व्हाट अ व्यू मैन। अभी मैं 80 पे चल रहा हूँ लेकिन आई फील लाइक यू नो आई कैन गो बियॉन्ड। बाइक की थोड़ी सी बैंड बज रही है क्योंकि हाइट पे हम काफी ज्यादा हाइट पे हैं। बट रोड देखो यार, श्रीनगर हाईवे, कभी सोचा नहीं था मैंने कि इतनी ब्यूटीफुल हाईवे होगी, अल्टीमेट है अल्टीमेट। वाव मैन, पता नहीं कौन से प्लेन से ये बट जस्ट क्रेजी क्रेजी क्रेजी। अभी भी देखो ये सामने देखो, दूर दूर तक कुछ नहीं है। वाव, गाइस अभी हम लोग ना मैग्नेटिक हिल क्रॉस कर रहे हैं, रात का टाइम है आपको पता नहीं चल पाया कुछ भी, लेकिन ट्राई करेंगे कि कल सुबह में आकर के या परसों आकर के यहाँ पे कुछ ट्राई करें। बाइक का तो पता नहीं चल पाता, गाड़ी का पता चल जाता है। ये एक्चुअली स्लोप है, कुछ नहीं है, मैग्नेटिक हिल नहीं है, ये स्लोप है तो लगता है ऐसे है लेकिन एक्चुअली ऐसे है, तो गाड़ियाँ चलते रहती हैं सीधे, सॉरी मैंने गलत बोला, ये लगता है एकदम प्लेन है लेकिन प्लेन है नहीं, ये ऐसे है, थोड़ा स्लोप है। और क्योंकि अभी मैं बाइक ना अभी पूरा प्रेशर पड़ रहा है मेरे बाइक को चलाने में ऊपर, तो ट्रूथ ये है कि ये ना एक्चुअली थोड़ा सा इंक्लाइंड है इसलिए गाड़ियाँ इधर से उधर हो जाती, मतलब आगे पीछे हो जाती हैं।
बाकी चलो अभी अभी 7:30 हो गए हैं ऑलमोस्ट, हाँ 7:27 हो गया है। 1309 किलोमीटर अभी तक मेरी बाइक चल चुकी है गुड़गांव से, 30 किलोमीटर यहाँ से है ले, सो खींच देंगे 8:30 तक पहुँच जाएंगे ले। बज रहे हैं सुबह शाम के 8:07:50 हो गए हैं अभी, और ये है सामने ले सिटी। बहुत मेहनत लगा आज, काफ़ी ज़्यादा हमने राइड किया, पूरी ले सिटी आपको देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ पे हेलीकॉप्टर वगैरह भी रखा हुआ है इन्होंने जस्ट फॉर अ व्यू। सो वेलकम टू ले, ये है ले सिटी हमारी। आई डोंट नो कितनी जस्टिफाई करी है गोप्रो कैमरा, लेकिन लाइट्स तो आप देख ही सकते हो, पूरी ये ले सिटी है। तो ये हमारा विजय चौक है यहाँ पे ले में, ये तिरंगा हमारा देख सकते हो आप, है ना सामने, कितना सही लग रहा है। कल सुबह सुबह आकर वापस हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो ये है आपका ले सिटी, एंड चलो डायरेक्ट अब मिलते हैं आपको होटल में। सो गाइज फाइनली आफ्टर कितने किलोमीटर हम लोग ने कवर किया आज, अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर कवर किया दैट टू ऑन हिल्स। उसके बाद हम आज अभी रात में 8 बजे एक्चुअली हम लोग ले पहुंच गए थे, उसके बाद होटल वगैरह ढूंढा, होटल भी हमें काफ़ी अच्छा चीप बजट होटल मिल गया, एंड वाईफाई कनेक्शन है काफ़ी स्पीड वाला वाईफाई कनेक्शन है एयरटेल का। और होटल आपको मैं एक रूम दिखा देता हूँ, जनरली मतलब ऐसा कुछ खास रूम नहीं आपको लगेगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक होटल है हमारे बजट में, इट्स अ वेरी नाइस होटल। ये ऐसे सामान वामान हमने सब कुछ छोड़ दिया है, ये ऐसे सेल्फ वॉल सीलिंग है, इसका वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, आपको वॉशरूम भी दिखा देते हैं, देखो कितना बड़ा वॉशरूम है। हॉट वाटर का यहाँ फैसिलिटी आपको एक टाइमिंग है क्योंकि सोलर इसमें है, सोलर सिस्टम है। सो ये रही अपडेट आज की। सो हम लोगों ने कारगिल से ले का, कारगिल से नहीं, जीरो पॉइंट से जो सुबह में 8 बजे हम लोग निकले थे जीरो पॉइंट से, एंड ले पहुँचे रात में 8 बजे। सो टोटल कंटिन्यूस 12 घंटे की राइड करा, उसमें बीच में हमने कारगिल वॉर मेमोरियल गए, बाकी बहुत जगह जो पॉइंट्स थे उसको हमने एक्सप्लोर करा, उसके बाद हम रात में 8 बजे पहुँचे ले में। सो कल का प्लान है कि कल हम लोग ले में स्टे करने वाले हैं पूरा दिन, और परसों हम लोग निकलेंगे पैंगोंग के लिए। सो उसके बारे में आप अलग से बात करेंगे, अलग वीडियो में बात करेंगे। सो आज की अपडेट यही थी कि हम लोग ले पहुंच चुके हैं, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव फन एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।